भारत में भी करता है, भारत से आकर भी करता है, यहां पर आकर के बड़ी बड़े स्टोर खोलता है, माल चलाता है, सुपरमार्केट खोलता है और बीफ बेचता है, सभी तरह का मीट बेचता है। भारत में अच्छा था वो, वहां खेती करता था और परचूनी की दुकान करता था, सुंदर दुकान थी, कोई कपड़े की दुकान थी, किसी के जूते की दुकान थी, वह ठीक था। या डॉलर का लालच, ऑर्डर देता है कि कल इतना पाउंड बीफ लाना, 200 पाउंड, 500 पाउंड, सुपरमार्केट चलाता हूं, वो कहता है कि कल 8 गायें काटकर मुझे लाना, 8 गायों की हत्या करना, मुझे लाना काट के, मैं बेचूंगा, डॉलर 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 इकट्ठे हो जाएंगे, नोट भर जाएंगे मेरे तिजोरियों में, मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, फिर यहां भी दिखलाऊंगा बड़ी बड़ी कारों में घूम के और एरोप्लेनों में उड़ के भारत वालों को भी दिखलाऊंगा कि मैं कौन हूं। ये अहंकार भरा मनुष्य अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण, अपनी भोग विलासों के कारण, अपने अहंकार को फुलाने के कारण सब कुछ भूल जाता है, फिर भगवान उसको कहां से याद आएंगे। भगवान को याद करने के लिए तो कुछ तो आपके पास पवित्र शरीर चाहिए, पवित्र आसन चाहिए, पवित्र घर चाहिए, पवित्र किचन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए आपके हृदय में, तब जाके थोड़ा भगवान की ओर आंखें खोलते हो या चलने लगते हो, कहिए, या भगवान की विंडो आपकी ओर खुलती है। बुरे विचारों में कुछ नहीं होता, बुरे विचारों में तो बुरे काम होते हैं, बुरे भाव उठे तो बुरे काम होते हैं, कुभाव उठे तो बुरे काम होते हैं, नहीं, स्वभाव उठनी चाहिए, स्वभाव, आत्मा का भाव, स्वभाव ही नाम शब्द दिया है, आपका ओरिजिनल स्वभाव, आत्मा स्वरूप से जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, शुद्ध कार्य करना, पाप कार्यों से बचना, धर्म कार्य करना, पुण्य कार्य करना, यह आत्मा का स्वभाव है। भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान सर्वत्र है, आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है। आपके पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, परिवार में अन्न नहीं है खाने को, और आपके पास धन है और अन्न भी है, क्या आप मदद नहीं कर सकते? क्या उस उन लोगों में आप परमेश्वर को नहीं देख सकते? उन लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते? उनकी मदद करनी चाहिए। मदद शब्द तो बनाया है, लेकिन उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्वदैव फूल से, मीठी वाणी से, नजदीक बैठ करके, पानी पिला करके, किसी भी रूप से, जहां भी आप सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है, कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पेड़ों में भी, किसी पौधे को, आपके घर में पौधे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। अपने बच्चों को निलाते हैं, निखारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, ये भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान को जान लो तब भगवान की सेवा है। यदि यही जाना कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा, तो भगवान को आप नहीं पहचाने कभी भी, 1% भी। सर्वत्र सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में,
पेड़ पौधों के हृदय में भी भगवान विराजते हैं। किसी पौधे के पास भी आप किसी कीड़े को भी मारो तो साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि वो पौधा कांप जाता है। हालांकि पौधे को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, पौधे के नजदीक में एक कीड़े को मारा तो भी वो पौधा कांप जाता है। वहां भी भाव है, वहां भी विचार है। ये तमाम सृष्टि लयबद्ध है। जहां कोई मर रहा है वहां कुछ हमारा मर रहा है। इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुद्धता चाहिए, और भावना में शुद्धता तभी आती है तब हम शुद्ध कार्यों में उतरें, शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें, शुद्ध के साथ बैठें उठें, तब आपकी भावना शुद्ध होती है। उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना। शुद्धम शरणम गच्छामि, उस शुद्ध की शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, उस बुद्धिमान की शरण में जाओ जिसको परम ज्ञान है। धम्मम शरणम गच्छामि, उस धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभावी धर्म है, आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव, प्रेम स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, क्षमा स्वरूपा, दया स्वरूपा, जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा की, उसकी शरण में जाओ। ये कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस लेकर के संसार में दुख पा रहे हो, बार बार जन्मते हो मरते हो, बीमारियों में सड़ते हो गड़ते हो, अपमानित होते हो, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो, फिर त्याग के जाना भी पड़ता है इसको, लेकिन उसकी शरण में आने से आपकी अधोगति नहीं होती, आप नीचे को नहीं गिरते, आप ऊपर को चढ़ते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं, आप आनंद की ओर चढ़ते हैं, ज्ञान की ओर चढ़ते हैं। सच पूछो तो आप उस असली सम्राट की सीट को प्राप्त करने के लिए चढ़ते हैं जिसको परम पद कहा है, जिसको विष्णु पद कहा है, जिसको अजर अमर पद कहा है, वैकुंठ जगत कहा है, जहां आप परमानंद हैं। तो आप आनंद की खोज में, लेकिन कनिष्ठ के टुकड़ों में आनंद मिलता है, ये रॉल्स रॉयस हो या एरोप्लेन हो या कुछ लेक्सस हो, मर्सिडीज हो, नहीं, इनमें आनंद नहीं मिलता। इनका इस्तेमाल करो लेकिन उस परमानंद को ना भूलो, उस परमेश्वर को ना भूलो। परमेश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा, परमेश्वर की सेवा से वंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे, कलेश मिलेंगे, भटकोगे, फंसे रहोगे दलदल में, जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म मरण जरा व्याधि, ये चक्कर लगते रहेंगे आप बार 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 बार। कर्मों से गिर जाओगे तो पशु जानवरों में फिर जन्म होते जाएंगे, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा। ये आत्मा अपनी कर्मों की, अपनी भावना से आगे जाती है। भावना गंदी है, मलिन है, तो मलिन स्थान में जाके जन्म लेती है। कॉन्शियसनेस को निखारना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस।